तो आप वहां थे, यहां कैसे पहुंचे? सूरज ढलने के बाद हर जगह अंधेरा हो जाता है, पर हम इसलिए इस नाचीज का सर हमेशा आपके सामने झुकता है। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक किले को काले चोर के लिए सजा दिया गया है। काला चोर यहाँ आएगा अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ सजाएगा। लेकिन हुजूर, आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि काला चोर यहाँ आएगा? और काला चोर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हम उसे बहुत चाहते हैं, वो हमें बहुत चाहता है, और तुम जानते हो इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। क्या होगा? काले चोर की मौत। काला चोर ज़फ़र के पास इसलिए आया क्योंकि अभी काले चोर को ज़फ़र से बहुत नफरत हो गई है, और उसके अंदर इतना गुस्सा है कि वो ज़फ़र को ना सिर्फ मारना चाहता है, खूब मारना चाहता है, क्योंकि ज़फ़र ने इतने मासूमों की जान ली है, मीर चाचा को ख़त्म कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो कि काला चोर को अंदर से बहुत उसने अफेक्ट किया, तो इसलिए अब काला चोर एकदम अपने उसमें आ गया फॉर्म में कि अब मैं ज़फ़र को छोड़ूंगा नहीं, उसे ढूंढ के मारना है मुझे। तो इसीलिए अभी फिर, और जब वो मिशन के लिए जाता है तो उसे एक सुराग मिलता है। हमारे शो में एक नया बहुत बड़ा विलन आने वाला है, तो वो सुराग मिलता है हमें, जिससे कि और ये मुझे देख लेते हैं, और फिर ये मुझे एक मैसेज करते हैं थ्रू लेटर, तो मुझे वो बुलाते हैं यहाँ पे। तो हाँ, उसने ऐसा कुछ प्लान बनाया है कि वो मुझे फंसा के वो मुझे मारना चाहता है और मैं उसे मारना चाहता हूँ। तो उसने मुझे बुलाया है और उसकी फील्ड में जा रहा हूँ, मैं उसके इलाके में जा रहा हूँ, ऐसा है। और ऐसा है कि उसने पूरा तैयारी की है मुझे मारने की, तो वो इसलिए मैं काले चोरी कॉस्ट्यूम में आ रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरा चेहरा नहीं देखा। तो मैं काले चोरी कॉस्ट्यूम में आ रहा हूँ और देख रहा हूँ क्या हो रहा है, और ज़फ़र का पूरा प्लान है कि मुझे मारना है। तो अब देखते हैं कि मार पाता है या नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए और हमारा शो देखते रहिए, और शो को नंबर वन।